नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शॉर्ट इंडिया चैनल पर। दोस्तों पहले तो बहुत बहुत माफ़ी मैं मांगता हूँ आप सभी से कि बहुत समय के बाद ये वीडियो आ रही है, पर उसके कुछ कारण हैं। आई वॉज बिजी इन फ्यू थिंग्स जो मेरे करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और आप लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट थी, तो उसकी जो खुशी थी वो मैंने आप लोगों के सभी के साथ साझा की है अपने चैनल पर। मैंने कम्युनिटी में फोटोग्राफ डाले थे दैट आई हैव बीन अवार्डेड एट IIT दिल्ली, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझ में इतना कॉन्फिडेंस रखा और मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं एक देश के एक वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाकर अपने विचार रख सकूँ और वहाँ पर मुझे सम्मानित भी किया गया, तो उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। तो ये जो वीडियो आई है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर CBSE ने कुछ बदलाव किए हैं क्वेश्चन पेपर में और उसका सैम्पल पेपर जारी किया है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। तो हर बार की तरह इस बार भी हम लोग सैम्पल पेपर देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन में क्या बदलाव किए गए हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं अभी। तो वो क्या क्या बदलाव हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ ये बदलाव हैं, ये देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, हर बार की तरह इस बार भी ABC 3 सेक्शंस हैं और ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इंटरनल चॉइस इज गिवन इन द ईच सेक्शन, तो ये पहले भी होती थी। ऑल क्वेश्चंस इन सेक्शन ए आर ऑफ 1 mark क्वेश्चन कंप्राइजिंग MCQ VSA यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, VSA वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एंड असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। ये कुछ नया है जो CBSE ने अभी लागू किया है पेपर में, तो यहाँ इसको हमें समझना है और इसी की वजह से ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम समझने वाले हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं असर्शन रीजन टाइप, ये किस तरह के क्वेश्चन होंगे, उनका आंसर कैसे देना है, कि बहुत सारे लोगों को इसमें समस्या है, डाउट्स हैं, तो वो मैं इसमें वीडियो के जरिए आपके दूर करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक सेक्शन बी, दे आर 3 mark क्वेश्चंस आर ऑफ 3 mark शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे एंड दे आर टू बी आंसर्ड इन 50 to 60 words ईच। तो हमें ये भी देखना है कि 50 to 60 words में जो आंसर्स इन्होंने मांगे हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या 50 to 60 words में ही आंसर देना ज़रूरी है या उसका और कोई क्राइटेरिया है, तो वो हम सभी को भी समझना है। इसके बाद सेक्शन सी जो 5 mark से क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और इनके लिए 80 to 90 words में आंसर देना है। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 30 questions, 30 questions इस पेपर में होंगे साइंस के। तो चलिए अब इसको बारी बारी से देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए में हम जा रहे हैं, सेक्शन ए को हम शुरू करते हैं। सेक्शन ए में हमें देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम सेक्शन ए को देखेंगे, तो सेक्शन ए में जैसे ही आप देखेंगे ये है डिफाइन कैटेनेशन। तो यहाँ कैटेनेशन क्वेश्चन आ गया, ये वेरी VSA टाइप है, वेरी शॉर्ट आंसर। इसके बाद हाउ डज वैलेंसी ऑफ एलिमेंट वेरीज अक्रॉस अ पीरियड, ये भी VSA टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। इसके बाद आप ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, आंसर क्वेश्चन नंबर 3A to 3D ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड रिलेटेड स्टडीड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ इस पैराग्राफ जो दिया गया है इसको अगर हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ हम देखेंगे ये दिया गया है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज विंड एनर्जी आर वाइटल फॉर द इंडियन इकोनॉमी नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सप्लाई बट ऑल्सो फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एंड सोशल बेनिफिट्स। इंडिया इज द वर्ल्ड्स 5th largest विंड पावर प्रोड्यूसर एंड द लार्जेस्ट विंड मिल फैसिलिटीज इन इंडिया आर इंस्टॉल्ड इन तमिलनाडु। मुपुंदल इज द स्मॉल विलेज ऑफ तमिलनाडु एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ विंड फार्म इन स्टेट। इट यूजेस विंड फ्रॉम द अरेबियन सी टू प्रोड्यूस रिन्यूएबल एनर्जी। द सुटेबिलिटी ऑफ मुदुपुनल एज अ साइट ऑफ विंड फार्म्स स्टेम्स फ्रॉम इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन
एज इट हैज एक्सेस टू सीजनल मानसून विंड्स। ओके, तो ये पॉइंट मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि ये दिया गया द सुटेबिलिटी ऑफ मुडुपनल एज अ साइट ऑफ विंड फार्म स्टेम फ्रॉम इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन एज इट हैज द सीजनल मानसून विंड। ये थोड़ा इन्होंने अलग से हटके हमको नॉलेज दे दी है जो जनरली नॉलेज होती नहीं है। इसके बाद इस पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इसमें और नॉलेज दिया गया है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक जनरेटर यूज्ड इन विंड टर्बाइन्स इन द साइट ऑफ मुडुपनल प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ एसी 240 वोल्ट एंड अ फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज इवन व्हेन द विंड स्पीड इज फ्लक्चुएटिंग। ट्रांसफॉर्मर मे बी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द वोल्टेज ऑफ इट्स कंपैटिबल विद द एंड यूज डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन वोल्टेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंटर कनेक्शन। तो ये इन्होंने दिया है, इसके बेसिस पे यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं 3A 3B 3C 3D, इनका हमें आंसर इस पैराग्राफ के बेस पे देना है। अब यहाँ देखिए आप थर्ड ए जो क्वेश्चन है 3A, इसको हम पढ़ेंगे तो ये है स्टेट द प्रिंसिपल बिहाइंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। यहाँ हमको ये समझना है और ये भी इस पेपर में हमको समझ लेना है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर में हमसे मांगा गया है। अगर आप इसको आप समझने की कोशिश करें तो इस पैराग्राफ में कहीं भी ये मेंशन नहीं है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट द प्रिंसिपल बिहाइंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, मगर ये आपकी प्रीवियस नॉलेज पे ही मैटर करता है। तो यहाँ आपको अच्छे से ये समझना है कि आपको इसका आंसर इस पैराग्राफ में नहीं मिलेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है ये आपको इस पैराग्राफ में मिले। ये इंग्लिश जो अभी आपने पढ़े हैं अनसीन पैसेजेस उसकी तरह नहीं है, हालांकि थोड़ा सा दिया है पर इसमें आपको प्रीवियस नॉलेज इस्तेमाल करनी है, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द आउटपुट फ्रिक्वेंसी ऑफ विंड टर्बाइन इज 50 हर्ट्ज, व्हाट इज़ मीन बाय दिस स्टेटमेंट। 15 हर्ट्ज दिया गया है, इसकी जो नॉलेज है मैं आपको अभी आंसर की भी दिखा देता हूँ। इसकी आंसर की मेरे पास ये इसकी आंसर की है, अगर इसको आंसर की को आप देखें तो यहाँ आंसर की में दिया गया है जो थर्ड बी का आंसर था ये रहा, यहाँ पर ये आंसर है थर्ड बी का, ये आंसर है। आप देखिए द इन द पोलैरिटी ऑफ द आउटपुट अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस एवरी 1/100 सेकेंड्स अल्टरनेटली इन 1 सेकेंड द आउटपुट एसी कंप्लीट 50 साइकिल्स। जो किसी भी फ्रिक्वेंसी के लिए एक आंसर है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब ही ये होता है कि फ्रीक्वेंसी एक 50 हर्ट्स मतलब बताती है कि एक सेकंड में वो 50 टाइम्स वाइब्रेट कर रहा है, साइकिल वो रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे इसको आंसर मिलेगा, ये भी आपकी प्रीवियस नॉलेज पर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ हमें बहुत ध्यान रखना है कि ये प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड है। इसके बाद थर्ड सी देखना है, वाई डू यू थिंक मुडुपनल इज़ एन एडवांटेजियस पोजिशन फॉर दिस प्रोजेक्ट। हाँ, इसका जो इसका थोड़ा सा रिलेशन ज्योग्राफी से है तो इस पैराग्राफ में शायद वो दिया है क्योंकि मुडुपनल हमने अपने सब्जेक्ट में तो पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको एक लाइन अंडरलाइन करके दिखाई थी क्वेश्चन में, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैंने इसको अंडरलाइन किया था द सुटेबिलिटी ऑफ मुडुपनल एज अ साइट ऑफ विंड फॉर्म्स स्टेम फ्रॉम इट ज्योग्राफिकल लोकेशन एज इट हैज़ द एक्सेस टू सीजनल मानसूनल विंड्स। तो अगर इसका हम आंसर भी अगर मार्किंग स्कीम में देखना चाहें तो मार्किंग स्कीम में इसका दिया है द सुटेबिलिटी ऑफ द मुडुपनल एज अ साइट ऑफ विंड फार्म स्टेम फ्रॉम ज्योग्राफिकल लोकेशन एज इट हैज एक्सेस टू द सीजनल मानसून विंड्स। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि ठीक है कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जो पैराग्राफ से आएंगे पर वो बहुत एक या दो क्वेश्चन का चांसेस हो सकता है, बाकी हमें प्रीवियस नॉलेज पर ही डिपेंड करता है। दूसरा आप देखेंगे थर्ड जो फोर्थ क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द डेटा रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफ बिलो विच ऑफ द टू साइट्स ए और बी वुड बी एन आइडियल लोकेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग अ विंड फार्म एंड व्हाई। तो यहाँ हमें ये सोचना है कि ये जब पैराग्राफ जो दिया गया है, ये जो डेटा हमें दिया गया है, इस डेटा को अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चन है सिटी ए में फ्लक्चुएशन विंड का ऐसे है और सिटी बी जैसे दिखाई कि फ्लक्चुएशन ऐसे है, तो कौन सी सिटी बेस्ट सूटेबल है विंड फार्म के लिए, वो होगी जो सिटी में
फ्लक्चुएशन कम होगा, वो हो गई इस हिसाब से सिटी ए। यहाँ आपको थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आना चाहिए कि आपको ग्राफ की स्टडी करनी आती है, तो यहाँ पर आप अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तभी आप ऐसा जवाब दे पाएंगे। और वाई का भी रीज़न ये है कि यहाँ पर देखिए फ्लक्चुएशन कम है विंड में, ठीक है। इसके बाद आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर पे, तो यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर फोर पे देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर, अगर आप फोर पे जाएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन 4A to 4D आर बेस्ड ऑन द टू टेबल्स गिवन बिलो, स्टडी दीज टेबल्स रिलेटेड टू ब्लड शुगर लेवल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ भी आप अगर इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, ये जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, तो यहाँ ये बेस इट इज बेस्ड ऑन द टेबल्स गिवन बिलो। यहाँ जैसे टेबल ए है, ब्लड शुगर ग्लूकोज चार्ट है, डॉक्टर्स एडवाइस नीडेड मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल दैट इज मिलीग्राम पर ओके डीएल दैट इज 380, 350, 315, 280, 250, 215, ठीक है। डॉक्टर्स एडवाइस नीडेड इसके लिए गुड है 180, 150, एक्सीलेंट है 115, 80 और 50, अगर आपको ब्लड शुगर लेवल इसके नीचे है, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ देखें एक और दिया है, टेबल बी दी है, इसमें है आपकी ब्लड रिपोर्ट ऑफ पेशेंट एक्स एंड वाई, दो पेशेंट है एक्स और वाई, ये पेशेंट एक्स है और ये पेशेंट वाई है, तो इससे रिलेटेड इनकी रिपोर्ट दी गई है बिफोर ब्रेकफास्ट और फास्टिंग। इसका माइनस 100 से नीचे था, इसका 70 से 130 के बीच में है। बिफोर लंच सपर एंड स्नैक 110 से नीचे, 70 से 130 के बीच में है। 2 hours आफ्टर मील्स 140 से कम और इसका 180 से कम। बेड टाइम 120 से कम और 19 से 15 के बीच में, ये 15 नहीं होना चाहिए था, यहाँ आई थिंक ये शुड बी 150, यहाँ कन्फ्यूज़न हुआ है कुछ। ओके तो अब यहाँ हमें क्वेश्चन देखने हैं, अब ये क्वेश्चन नंबर 4A है, आप इसको देखेंगे। रेफर टू टेबल बी शोइंग द ब्लड रिपोर्ट ऑफ द लेवल्स ऑफ ग्लूकोज ऑफ पेशेंट एक्स एंड वाई, इन्फर द डिजीज विच कैन बी डायग्नोज फ्रॉम द गिवन डेटा। अब गिवन डेटा के अकॉर्डिंग कौन सी डिजीज इसको हो सकती है एक्स एंड वाई में, ठीक है। अब यहाँ से हमें दोनों से इसको मेजर करना है। अब यहाँ अगर आप आएंगे तो यहाँ पेशेंट एक्स जो है यानी 180 से नीचे 180 तक सबका गुड गुड है, तो यहाँ आप देखिए बिफोर ब्रेकफास्ट 70 to 130 है, 100 से कम है। बिफोर लंच पर ये 70-30 है, तो यहाँ इसके लिए हमें डेटा को इन्फर करने के लिए हमें थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि आप अगर आप क्वेश्चन इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ आप आंसर देखिए, ठीक है। यहाँ इन्होंने डायबिटीज दे दिया इसका आंसर, ये डायबिटीज इन्होंने आंसर दिया हुआ है, बट हमें इसको इन्फर करने के लिए हमें इसको इस टेबल को अच्छे से स्टडी करना आना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड शुगर जो रेंज है अगर डायबिटिक है तो पेशेंट की जो या जैसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपसे कि रेफर टू टेबल बी शोइंग द ब्लड रिपोर्ट ऑफ लेवल्स ऑफ ग्लूकोज ऑफ पेशेंट एक्स एंड वाई, इन्फर द डिजीज विच कैन बी डायग्नोज इन द गिवन डेटा। अगर ब्लड शुगर की बात हो रही है, सीधी से हमें डायबिटीज़ की से रिलेटेड बात करनी है, तो ये हमें नॉलेज होना, प्रीवियस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर इसके बाद आइडेंटिफाई द हार्मोन हुज लेवल इन द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाउट डिजीज। अब ये कहीं भी दोनों टेबल में नहीं है, अगर आप दोनों टेबल को अच्छे से देखें तो इसमें कहीं भी हार्मोन की जिक्र नहीं हुआ है, मगर अगर हमें प्रीवियस नॉलेज है तो हम बता देंगे कि ये इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है। मैं आंसर की भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए आंसर की में इंसुलिन दिया गया है। तो यहाँ हमको ये समझने की बात है कि यहाँ हमें प्रीवियस नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद 4C क्वेश्चन है, 4B हो गया। 4C क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइट वुड यू रिकमेंड टू द अफेक्टेड पेशेंट। अभी दोनों जो अफेक्टेड पेशेंट है इनको कौन सी डाइट दोगे आप, हाई शुगर विद लो फैट डाइट, नहीं ये नहीं हो सकता। लो शुगर एंड हाई प्रोटीन डाइट कंसिडर किया जा सकता है। हाई फैट एंड लो फाइबर डाइट, हाई फैट आप नहीं दे सकते बिकॉज फैट भी शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। लो शुगर एंड हाई फाइबर डाइट
तो क्या ये दिया जा सकता है। तो इसमें अब आपको यहाँ भी थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी है। जैसे आंसर की में अगर आप देखेंगे तो इसमें दिया गया लो शुगर एंड हाई फाइबर डाइट, तो हाई फाइबर डाइट देना पड़ेगा, लो शुगर और हाई फाइबर डाइट देना पड़ेगा, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हमें, ये भी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड है। इसके बाद रेफर टू द टेबल ए एंड सजेस्ट द वैल्यू ऑफ मीन ब्लड शुगर लेवल बियॉन्ड विच डॉक्टर्स एडवाइस इज नेसेसरी। अब ये सीधा सीधा टेबल पे, अगर आप टेबल पे जाएंगे तो टेबल में इसमें दिया गया है, जो टेबल ए दी गई है, डॉक्टर्स एडवाइस कहाँ से नीडेड है, यानी 215 से लेके डॉक्टर एडवाइस नीड है। यानी अगर 180 है, 180 से ज़्यादा जा रहा है, तो शायद डॉक्टर की एडवाइस नीडेड हो। अब यहाँ देखिए, दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रेफर टू द टेबल ए एंड सजेस्ट द वैल्यू ऑफ मीन ब्लड शुगर लेवल बियॉन्ड विच डॉक्टर एडवाइस इज नेसेसरी। यहाँ हमको देखना 80 पे नहीं है रिक्वायर्ड, 50 पे नहीं है, 150, 180, यानी 180 के ऊपर जाएगा तो डॉक्टर एडवाइस नीडेड है, और इसका आंसर यही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो 180 mg पर dl यहाँ दिया गया है। तो ये आपको एक क्वेश्चन मिला, इसमें जो डेटा जो दिया गया था उससे रिलेटेड था। हालांकि बाकी सब जो क्वेश्चंस थे वो आपके प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंड कर रहे थे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आ रहे हैं, या कॉम्प्रिहेंशन जिनको अगर आप बोलेंगे या समझेंगे, इनमें भी साइंस का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ डोंट डू इट। मैं आपको एक अच्छे से बात बता रहा हूँ, मैंने भी वर्कशॉप ली थी, वहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, वो इसमें ही आंसर ढूंढने लगे थे। तो यहाँ आपको पैराग्राफ्स में, ये डेटा में जरूरी नहीं है आंसर मिले, वो आपके प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंड करता है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस नॉलेज होने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट कंटेंट की नॉलेज अच्छे से होना जरूरी है। जरूरी नहीं है आपको डेटा में ही सारे आंसर मिल जाए, और इसमें यानी चलिए तो डेटा टेबल था इसमें, तो फिर भी आपको थोड़ा अंदाजा रहेगा, मगर ये जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट यानी पैराग्राफ वाला होगा, जरूरी नहीं इसमें आंसर आपको सारे के सारे मिल जाए। ठीक है, जैसे अगर एक मैं क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत कन्फ्यूजन किया हुआ था उनको, जैसे स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेट बिहाइंड द इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर्स पैराग्राफ में बस यहाँ मेंशन है, तो वो पूरा आंसर उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख दिया था। द इलेक्ट्रिक जनरेटर यूज ऑन विंड टर्बाइंस मिसाइल्स लाइक मधुपुनल प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ एक्चुअल करंट ऑफ 240 वोल्ट एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ 15 हर्ट्ज इवन वैन द विंड स्पीड इज फ्लक्चुएटिंग। तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसका ये आंसर सही नहीं है, जरूरी नहीं है पैराग्राफ में आंसर मिल जाए। प्रीवियस नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें असर्शन वाले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बाकी MCQs हैं जो आप कर लेंगे, इसके बाद असर्शन वाले क्वेश्चंस हैं जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, यहाँ हमको इनको देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 14 को देख लेते हैं। आई थिंक आपके स्क्रीन पे ये विजिबल होंगे अभी। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। फोर क्वेश्चंस, फॉर क्वेश्चंस 13 एंड 14, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन लेबल्ड असर्शन, असर्शन को जिसे ए से रिप्रेजेंट किया गया कैपिटल ए से, एंड द अदर लेबल्ड रीजन दैट इज लेबल्ड एज आर, जिसको आर से रिप्रेजेंट किया गया कैपिटल आर से। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन फ्रॉम द कोड्स 1, 2, 3 एंड 4 एज गिवन बिलो। वो कोड क्या है, वो कोड यहाँ पे है 1, 2, 3, 4। असर्शन एक स्टेटमेंट को बोलते हैं, यानी जो स्टेटमेंट दी गई है वो असर्शन है, और उसके साथ उसका एक रीजन भी दिया गया होंगे। तो अब हमें देखना है कि असर्शन यानी जो स्टेटमेंट है और रीजन है, क्या वो दोनों सही है नहीं है, और हमें इन कोड्स में से चुनना है। पहले कोड को अच्छे से समझ लेते हैं। पहला जो कोड है वो है बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी ए फॉर असर्शन एंड आर फॉर रीजन, आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर आपको लगता है कि जो स्टेटमेंट यानी असर्शन दिया गया है वो ट्रू है, उसका जो रीजन दिया गया है वो भी ट्रू है, और जो आर है यानी रीजन है वो असर्शन जो दिया गया है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आपको इसका आंसर फर्स्ट चुनना है। अगर बोथ ए एंड आर आर ट्रू, अगर ए और आर दोनों ट्रू हैं मगर आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी आपको लगता है कि ए जो स्टेटमेंट दी गई वो भी एक सत्य है, वो भी एक सच बात है, और आर जो दिया गया वो भी एक सच बात है, मगर आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यहाँ हमें सोचना होगा और इसका जो आंसर होगा वो सेकेंड हो जाएगा।
इसके अलावा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी असर्शन ट्रू है मगर उसका जो रीजन है वो फॉल्स है, तो आपको ये वाला आंसर सिलेक्ट करना है। और ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी असर्शन फॉल्स है मगर जो रीजन दिया गया वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यानी आपको ये आंसर चुनना है। अब असर्शन इसके तौर पर हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ हमें देखना असर्शन, फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पे दिए गए आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, यानी मैं अगर इसको आप अच्छे से समझें, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट यानी ये ब्यूटेन तो है, ब्यूटेन का यानी फॉर्मूला हो गया 1 2 3 4 C4 और H10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी H10। ओके, ये इसका यानी मॉलिकुलर फार्मूला हो गया। ऐसे यहाँ पे देख लीजिए मेथ एथ प्रोप, मगर यहाँ पे एक और दिया गया यानी सी कितने हो गए यहाँ पे 1 2 3 4 C4 और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया यानी। अब इन्होंने जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में था कि फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, कि वो ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो यहाँ पे हमको ये समझने में आता है, अच्छे से हमको समझने में दिख रहा है कि ये जो दिया है यानी मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है और इनकी स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग है, तो क्या ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है, अब इसका रीज़न देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर हैव द सेम मॉलिकुलर फार्मूला जो इन दोनों में है, बट दे डिफर इन देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इन दोनों की डिफरेंट है, यानी जो असर्शन है वो तो करेक्ट है ही, साथ में उसका जो रीज़न दिया है वो भी करेक्ट है, तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसके हिसाब से जो 13 का आंसर हुआ दैट इज़ फर्स्ट, ठीक है। इसको हम मार्किंग स्कीम के हिसाब से भी देख लेते हैं, मार्किंग स्कीम में जो 13 क्वेश्चन नंबर है उसका आंसर क्या होगा वो हम देख लेते हैं। थर्टीन का आंसर ये है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आंसर इसका देना है। इसके बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसमें भी असर्शन दिया गया, दो क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, अ फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद मेन लाइन, रीजन इफ द करंट लार्जर देन स्पेसिफाइड वैल्यूज फ्लोज थ्रू अ सर्किट फ्यूज वायर मेल्ट, तो रीजन तो करेक्ट है। असर्शन को एक बार और फिर से पढ़ लीजिए, फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पैरेलल विद द मेन लाइन, तो ऐसा जरूरी नहीं है, मेन लाइन से जरूरी नहीं है वो पैरेलल ही कनेक्ट हो, वो पैरेलल ही कनेक्ट नहीं भी हो सकती है। तो इसका अगर आंसर हम देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर 14, असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, रीजन ट्रू है असर्शन फॉल्स है, तो यानी इसका जो आंसर होना चाहिए कोड के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, इसका फोर्थ आंसर होना चाहिए। और यहाँ पे मार्किंग स्कीम में भी ऐसा ही दिया गया है, असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, द फोर्थ इज द आंसर। यहाँ हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस साइंस के पेपर में आने वाले हैं आपके क्लास 10th में, बाकी सब वैसे ही रहेंगे, मगर ये दो चीज़ें नई थी जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है और इसकी जो मार्किंग स्कीम जो मैंने आपको दिखाई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और कहाँ से आप अदर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम डाउनलोड कर सकते हैं उसका लिंक भी मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट जरूर करें, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, ठीक है। तो और हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्टिव देयर, और इंस्टाग्राम पे बच्चे बहुत क्वेश्चंस करते हैं, तो वहाँ पे रीज़न देना और उसका आंसर देना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है मेरे लिए, रादर देन ऑन जो कमेंट बॉक्स है, मगर कमेंट में भी आप कर सकते हैं, मैं कमेंट भी का भी आंसर देने की कोशिश करता हूँ, तो वहाँ पर आप करते रहिए। इसके अलावा हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम पर, वहाँ पे भी आप आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसमें हम फोरम में आपके सभी सवालों का
आंसर देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।